और आखिरी एक देसी बात कह के कहूंगा, खासतौर से अपने मित्र ए के मिश्रा के लिए, कि वो ऐसे देसी बातों को का प्रयोग शुरू करें तो ज्यादा लोगों तक उनकी बात पहुंचेगी। वो बहुत कठिन बात बोलने लगते हैं। उस अब उत्तर चाहिए। और ए के मिश्रा साहब है राजनीतिक विश्लेषक, सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक टिप्पणी ए के मिश्रा जी से लेता हूं, फिर पॉलिटिकल लोगों के पास चलूंगा। मिश्रा जी, आज के परिणाम में मुझे कोई ही आश्चर्य नहीं। मैं 3.5 दशकों से ऐसे परिणाम देख रहा हूं, जिसकी सरकार उसका इस चुनाव में खेल हो जाता है, उस ठीक बात। लेकिन मैं ये बहस इसलिए लेके आया कि इतनी बुरी तरीके से हारो ये तो डॉक्टर ने नहीं बताया। आपको पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, जो कल जब तक पार्टी जब सरकार में थी तो सरकार और पार्टी दोनों में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, वो लोग 200 250 300 350 400 वोट पाए। ये विषय मेरी समझ में नहीं आया। आप जीतन जीत हार का परिणाम अलग चीज है, लेकिन मसला ये कि आप तो बिल्कुल जमीन पर ही लेट गए, ये दृश्य क्या है? देखिए अमिताभ जी, जो आपने कहा वो सत्य है कि जो पार्टी मेन चुनाव में जीतती है वो यहाँ पे भी जीत जाती है। इसके पीछे पॉलिटिकल इनर्शिया या राजनीतिक जड़त्व एक प्रिंसिपल काम करता है कि जीत का मजमा लगा है, मौसम बना हुआ है, जनता और नेता सब एक ही बहाव में बहे चले जाते हैं। इन चुनावों में गैप भी बहुत कम था, तो एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि एकदम से लमलेट हो जाना, एकदम से जीरो हो जाना, साफ हो जाना, उसके पीछे एक कारण है। समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ऊर्जा मुख्य चुनावों में लगा दी थी और मुख्य चुनाव के रिजल्ट से जब वो इतने हताश हो गए, जहां ये डिक्लेयर हो गया था कि अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लोग आईएएस ऑफिसर नेताओं से मिलना शुरू कर दिए थे, इतनी बुरी तरीके से रिजल्ट देख लेने के बाद इस चुनाव में जितने घटक थे जो जीत को सुनिश्चित करते थे, जो छोटे मोटे बड़े नेता जो भी होते थे, उनका भी मनोबल टूट गया। उन्होंने ये सोच लिया कि अब मुख्य युद्ध तो हम हार गए हैं, हमारा राजा जो है वो कैद में हो गया है, वो मृत प्राय हो गया है, तो अब युद्ध लड़ने का क्या फायदा। तो मनोबल इतना ज्यादा गिर जाता है, क्योंकि गैप भी बहुत ज्यादा नहीं था, तो डेफिनेटली जो है उन लोगों की जो है अगर देखा जाए इतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा, इतना उत्साह नहीं रहा, इतना रुझान नहीं रहा, वैसी रणनीति नहीं बनाई जैसी कि इन्होंने मेन चुनाव में बनाई थी। ठीक ठीक है मिश्रा जी, ठीक है, ये बात मैं एके मिश्रा जी ये बताइए, ये बनारस का रट्टा समझ नहीं आया ना? गंगा जी में खड़े हो जाएं, साथ में तुलसी पत्ता हाथ में ले ले गंगा जल के, और ये लोग कहे हम नहीं मान सकते। हमारा भी अपना तजुर्बा है, हम क्या सीखेंगे किसी से सुन के कि चुनाव कैसे होता है और खेल कैसे होता है? बताओ भैया, एक बस 170 वोट भाजपा के उम्मीदवार को बनारस में, गंगा में पानी नहीं है, गर्मी चल रही, नहीं तो उनको तो उसी में डूब जाना चाहिए। मिश्रा जी, अमिताभ जी, 3-4 पॉइंट आपके डिबेट में बड़े इंपॉर्टेंट है। आपने जो कहा कि एक बीजेपी के निष्कासित हैं और वो मऊ वगैरह से जीत गए, बनारस की ही घटना को अगर लें तो वाकई में चिराग तले अंधेरा या अपनी नाक पे बैठी हुई मक्खी बीजेपी को क्यों नहीं दिखाई दी? पॉलिटिकल ब्लाइंड स्पॉट भी कई जगह होता है, और कोई भी चुनाव जीतने में 3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। एक पार्टी का अपना आउरा होता है जिसका प्रभाव पड़ता है, जैसे बारिश हो रही है अभी चुनाव में, आप देखिए मेघ बरस रहे थे, कितने लोग जिन्होंने मेहनत नहीं की वो भी जीत गए पार्टी के नाम पे, योगी मोदी के नाम पे। दूसरा इंडिविजुअल कैंडिडेट और तीसरा राइवल। अगर इसको देखा जाए तो बनारस में जो प्रत्याशी जीती हैं, बाहुबली की जो धर्मपत्नी है, उनके अगेंस्ट में जो राइवल थे उनका कद काठी कितना था, वैयक्तिक उनका जनसंपर्क कितना था, कितना प्रभाव था, कुछ न कुछ तो व्यक्तिगत कद काठी का भी चुनाव में असर तो पड़ता ही है। तो यहाँ पे ये मान लेना चाहिए था कि जो समीकरण बनाने थे वोटों को हासिल करने के लिए व्यक्तिगत तौर पे, वो बीजेपी अपनी पूरी पार्टी के साथ मिलकर के वहां पे नहीं बना पाई, जबकि बनारस में बीजेपी का बहुत बहुत महत्व है, वहां पे प्रधानमंत्री से लेकर छोटे बड़े नेता से लेकर के सारे लोग। लेकिन ये एक छोटी सी चूक बताती है
कि जो व्यक्तिगत रणनीति बनाते हैं, जो व्यक्तिगत मेहनत करते हैं, जिनका व्यक्तिगत संपर्क या इन्फ्लुएंसिबिलिटी या प्रभावित करने की क्षमता जिनकी ज्यादा रही है, वो ज्यादा वोट पा गए हैं, वो या वो जीत गए हैं। बनारस की हार और जीत में ठीक है मिश्रा जी कई बार मैं सोचता हूं कि जन भावनाओं का आदर, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान, क्या ये जो ऐसे अच्छे अच्छे शब्द हैं, ये रियल जो चीजें हैं उनका नामकरण बदल दिया गया क्या? मान लीजिए हमने किसी को मारा गिरा के, क्या तो गिरा के मारा ये शब्द इस्तेमाल करने के बजाय हमने उसका नाम दे दिया कि जन भावनाओं का सम्मान, क्या किसी को और कुछ वो कर दिया दमन, उसका नाम दे दिया लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था। ऐसा हो रहा है क्या मार्केट में? लगा ऐसे रहा है मिश्रा जी? देखिए अमिताभ जी, सांप के चले जाने पे आप लकीर पीटते रहिए और मैं बहुत बेबाकी से बोलूंगा, आपने जन भावनाओं का आदर किया लेकिन उसी जन ने आपकी भावनाओं का आदर नहीं किया और चुनाव में आपको हरा दिया, तो अब आप क्या बोलेंगे? तो जितने ये लक्ष्यदार चीजें बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम लोकतांत्रिक उसमें विश्वास रखते हैं, तो क्या आपने चुनाव जब पहले लड़ा या आप हार गए तो लोकतांत्रिक भावनाओं में या नीतियों में आप विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए आप चुनाव लड़े थे क्या? आप सीधे सीधे इस चीज को बोलिए कि जो रणनीतिक या कूटनीतिक आपके अंदर हुनर होना चाहिए था, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, आप उसको मैनेज नहीं कर पाए, आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, जनता आपसे सहमत नहीं थी, इसके कारण आप हारे। रही बात अगर आप इस पे संतुष्ट होना चाहते हैं कि हमारी सीट 2.5 गुना बढ़ गई, तो हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं वो बिना विधान परिषद में चुनाव में भाग लिए हुए वो संतुष्ट है, वो बोल रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, जी हमने चुनाव लड़ा ही नहीं हम तब भी संतुष्ट हैं। तो ये अपना अपना संतुष्टि का लेवल होता है, लेकिन मैं बोलना ये चाहूंगा कि जन भावनाओं का आदर तब होता है, लोकतंत्र का आदर तब होता है जब आप मजबूती से लड़िए। आप मजबूती से लड़ नहीं रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि हमने आपकी भावनाओं का आदर किया, जनता आपकी भावनाओं का आदर नहीं। ठीक है ठीक मिश्रा जी, मैं अरे एके मिश्रा जी, अगर मान लीजिए कि लोहिया से, मेरा मतलब केवल लोहिया जी नहीं, उसमें उनकी पीढ़ी के तमाम बड़े राजनेता आ जाते हैं जो नक्षत्र मंडल थे भारत की राजनीति का, क्या किस लोहिया जी के नाम का ताबीज पहनने वाले किसी ने ये कहा कि भाई मैं चुनावी राजनीति में नहीं रहूंगा, गाड़ी घोड़े से दूर रहूंगा, मैं केवल समाजवाद की अलग जगाऊंगा? ऐसा तो कोई नहीं बोला लोगों ने, यहां तक का कुछ नहीं, तो ब्लॉक प्रमुख ही दो, कुछ तो दो, लड़का जवान हो गया, इसको कुछ तो बनाओ, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाओ, कुछ तो बनाओ, लाल बत्ती की व्यवस्था करो, नहीं। और ये बात सब पर लागू है, जो लोग गांधी जी का ताबीज पहन के घूमे उनको भी यही चाहिए, जो दीनदयाल जी का ताबीज पहन के घूमे उनको भी, जो लोहिया जी का पहन के घूम रहे उनको भी, तब अंतर कहां है मित्र? अपना काम राजनेताओं का ये है कि अपना काम हुआ, अपनी स्वार्थ सिद्धि हुई, जो उनको चाहिए वो मिल गया, उसके बाद जो आदर्श है, हमारे मित्र जैसे किताब दिखा रहे थे, मुझे पता है कभी इन्होंने किताब के पन्नों को नहीं पलटा होगा, अगर पलटा है तो वो सिद्धांत कभी धरातल पे इंप्लीमेंट नहीं किए, तो वो दिखाने के लिए है कि हाँ देखिए जी हमारे पास लोहिया जी की विचारधारा है, फलाने की विचारधारा है, उनकी किताब है, उनकी मूर्ति रखी है, ये प्रतीक के रूप में है। हाँ, और उसके बाद ग्राउंड पे जब ये लोग पावर में आते हैं या राजनीति में आते हैं तो कितना उस पे चलते हैं ये सारे के सारे लोग जानते हैं। आप देख लीजिए ना कि ये लोग चुनाव में घोषणा क्या करते हैं और आने के बाद कितनी घोषणाएं उसी तरीके से ये लागू करते हैं। लोहिया जी ने तो ये नहीं बोला था कि आप वादा करो और वादा को निभाओ मत, जनता के साथ आप छल करो, आप सारे चुनावों को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा फर्क क्या है। नहीं, वो कुछ कह रहे हैं मेहंदी साहब। और आखिरी एक देसी बात कह के कहूंगा, खासतौर से अपने मित्र ए के मिश्रा के लिए, कि वो ऐसे देसी बातों को का प्रयोग शुरू करें तो ज्यादा लोगों तक उनकी बात पहुंचेगी, वो बहुत कठिन बात बोलने लगते हैं।